खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर स्ट्रोक में अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे उसे आप 21वीं सदी में बना एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। हो सकता है इस रिकॉर्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं दी गई हो, इसीलिए आज हमने तय किया कि मास्टर स्ट्रोक में आपको ये खबर दिखाएंगे जिस संसद की कार्यवाही को सोचकर आपके जहन में हल्ला हंगामा की तस्वीर आती है, उसी संसद की लोकसभा में सांसदों ने कल रात 11:59 तक चर्चा की और एक रिकॉर्ड बन गया। ये पूरी रिपोर्ट आप देखें, उससे पहले 5 हेडलाइंस आपको देख लेनी चाहिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही का नया इतिहास बना। गुरुवार को आधी रात तक चली चर्चा। रेलवे से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए सुबह 11 बजे से रात 11:59 तक लोकसभा की कार्यवाही चली। करीब 13 घंटे तक चली चर्चा में 90 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा नए सांसदों ने अपनी बात रखी। 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा में इतनी लंबी चर्चा का रिकॉर्ड बना है। बीजेपी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को श्रेय दिया। इससे पहले 1996 में लोकसभा की कार्यवाही करीब 20 घंटे तक लगातार चलने का रिकॉर्ड बना है। ना बिहार सरकार रेल में एक पैसा देती है, ना बंगाल सरकार एक पैसा देती है। प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ। आनंद विहार गरीब रथ का परिचालन प्रतिदिन किया जाए, ये नए इतिहास में रिसेंट हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड, ये आपके इनिशिएशन से हुआ है। सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के साथ ही 11 जुलाई का दिन संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया। पिछले 2 दशक में पहली बार लोकसभा की कार्यवाही करीब 13 घंटे तक चली। सुबह 11 बजे सदन शुरू हुआ और रात 11:59 पर कार्यवाही खत्म हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा में इतनी देर तक चर्चा चली। ये नए इतिहास में रिसेंट हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड, ये आपके इनिशिएशन से हुआ है और आपको धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और एक बार लोकसभा की इस ऐतिहासिक बैठक में रेलवे से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। इसके लिए पहल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी दल एक दिन में आम बजट में रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा पूरी करने पर सहमत हुए। ये भी तय हुआ कि इस चर्चा में ज्यादा से ज्यादा सांसदों को बोलने का मौका दिया जाए, खास तौर से पहली बार आए सांसदों को। इस फैसले के बाद करीब 90 सांसदों ने बोलने का नोटिस दिया। लोकसभा के नए स्पीकर महोदय ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, नए सांसदों को बोलने का अवसर दिया, महिला सांसदों को बोलने का अवसर दिया और यहाँ तक कि अब चर्चा को लंबे समय तक चलाने का प्रयास किया है। ये नई शुरुआत है जिसका जितना स्वागत किया जाए उतना अच्छा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के बनने के बाद एक सदन का जो वर्क कल्चर है वो बदला है। सदन के वर्क कल्चर में उन्होंने नए सदस्यों को, जिनको शायद कभी अवसर नहीं मिलता था, उनको सप्लीमेंट्री में सवाल पूछने के लिए जीरो आवर में और देर तक उन्होंने बैठ करके जीरो आवर में भी सबको अवसर देने को कोशिश। सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने की तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन रात 12 बजे तक बिना किसी शोर शराबे के इस तरह लोकसभा की कार्यवाही चलने से मोदी सरकार गदगद है। इससे पहले 1996 में सबसे ज्यादा देर तक लोकसभा की कार्यवाही चलने का रिकॉर्ड बना था। HD देवेगौड़ा की सरकार में रेल बजट पर चर्चा होनी थी। 26 जुलाई को सुबह 11 बजे चर्चा शुरू हुई और 27 जुलाई की सुबह 7:10 तक चली। इस तरह करीब 20 घंटे तक लगातार सदन की कार्यवाही चलती रही। उस दिन चर्चा में सबसे आखिरी वक्ता बीजेपी के भानु प्रताप सिंह वर्मा थे, जो पहली बार सांसद चुनकर आए थे। भानु प्रताप वर्मा कल भी लोकसभा में मौजूद थे। जितनी हमारे क्षेत्र की मांगे थी वो मांगे हम लोगों ने उस समय रखी। और इतनी देर तक क्यों चला था? सब लोग बहुत बोलने वाले थे कि आपको कुछ याद थे। हाँ, बहुत बोलने वाले थे और सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी थी, इसलिए वो सुबह तक हाउस चला था। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में आधी रात में ही GST कानून बनाया था। उससे पहले अगस्त 2007 में आजादी की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर आधी रात को संसद का विशेष सत्र हुआ था। 1997 में भी सेंट्रल हॉल में आजादी का गोल्डन जुबली समारोह हुआ। 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने पर आधी रात में विशेष सत्र हुआ। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र में यह नया रिकॉर्ड बना है। इस सत्र में 2 दिन छोड़कर कामकाज सामान्य रहा।
सरकार की कोशिश है कि इस सत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो अगर संसद से जुड़ी कोई खबर आप देखते हैं अमूमन, तो उसमें क्या होता है? हंगामे की खबर मिलती है, पता चलता है कि कभी वॉकआउट हो गया, कभी वेल में सांसद जो हैं वो चले गए, कभी पन्ने फेंक दिए, कभी नारे लगाए, कभी सांसदों के बीच तू तू मैं हो गई, और इसकी वजह से क्या होता था? सदन की कार्रवाई स्थगित। अक्सर कई कई दिन तक संसद की कार्रवाई इसी तरह से रद्द होती रहती है। ऐसी खबरों के बीच अगर ऐसी खबर मिल जाए, संसद में कामकाज का रिकॉर्ड बनना मन को सुकून देता है, देश को तरक्की देता है, और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तारीफ के हकदार है। मास्टर स्ट्रोक, इसी तरह संसद में होगा काम तो देश करेगा सांसदों को सलाम।